मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इश्कबाज में आने वाले दिनों में बहुत सारा रोमांस और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अभी तक हमने देखा कि टिया की माँ यानी कि मिसेस कपूर शिवाय को मजबूर करती हैं कि वो टिया से शादी करे। वो ओमकारा की असलियत बताने के नाम पर शिवाय को ब्लैकमेल कर रही हैं। मिसेस कपूर शिवाय को डरा रही हैं कि अगर वो टिया से शादी नहीं करेगा तो वो सबको बता देंगी कि ओमकारा तेज का नाजायज बेटा है। अपने भाई को इसी सच्चाई से बचाने के लिए शिवाय टिया से शादी करने के लिए राजी हुआ है। शिवाय जानता है कि टिया किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो टिया से प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी वो शादी करने को मजबूर है। इसी के साथ एक बार फिर टिया और शिवाय की मेहंदी की रस्म शुरू होती है। भले ही अनिका की याददाश्त चली गई हो लेकिन शिवाय जानता है कि वो भी उससे प्यार करती है। मेहंदी की रस्म के बीच शिवाय और अनिका कुछ प्यार भरे पल भी बताते हैं। अनिका जो पहले की सभी बातें भूल चुकी है वो ये सोच रही है कि शिवाय टिया से शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने बच्चे को अपनाना चाहता है। वो शिवाय की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने चली है। वहीं शिवाय अनिका के आसपास रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और हर वक्त उसे इरिटेट करने में लगा रहता है। अब खबर ये है कि जल्द ही अनिका और शिवाय की लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, शिवाय अनिका को किस करने वाला है। शिवाय अनिका को माथे पर किस करेगा। वो कई बार उसके करीब आने की कोशिश करेगा ताकि अनिका को पुरानी बातें याद दिलाने में कामयाब रहे। अनिका को भी भूली बातें याद आ जाएंगी और इश्कबाज में इश्क की नई शुरुआत होगी। इसी दौरान अनिका जो कि ये बात जानती है कि टिया दुष्यंत से प्यार करती है, वो टिया को इससे मिलवाना चाहती है। जी हाँ, रॉबिन यानी कि दुष्यंत मरा नहीं है, वो जिंदा है लेकिन मिसेस कपूर ने उसे छुपा कर रखा है ताकि टिया शिवाय के करीब जाकर अपने परिवार का बदला ले सके। अनिका दुष्यंत को ढूंढकर शादी में लेकर आएंगी। टिया उसे देखते ही मिलने को भागेगी। ये सब देखकर पिंकी शादी कैंसिल करेगी और टिया को घर से निकाल देगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।